तो भाई लोग हम आ गए हैं बरबोदना गांव में, नामली से 10 किलोमीटर दूर, और भैया हमको लेने आए हैं और ले जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे जहां पर स्नेक उनको दिखाए। तो चलो चलते हैं इनके साथ और पकड़ते हैं स्नेक को। अब भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहो। तो हम आ चुके हैं अपने बरबोदना गांव में, कहीं यहां पर स्नेक निकला है और लोकेशन पे आ गए भादुर भैया और हम। बनो रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको भादुर भैया कैसे करते हैं स्नेक को रेस्क्यू। और भैया हमको लेने आए थे। आपका नाम क्या है भैया? अशोक पाटीदार। अशोक पाटीदार, उसके अंदर ऊपर से चढ़ लेके हल्ला पड़ा। तो ये बाथरूम है कि क्या है? अंदर ग्राउंड है, बाथरूम तो साइड में। भादुर भैया को सांप दिख गया है और उन्होंने इनको अंदर साइड इनको सांप मिला था। अंदर दिख रहा है क्या? क्यों इधर लो, लो लाइट दो हमको, पानी भरा भाई। ऊपर चल जाओ के ऊपर बैठा रहो। बड़ो क्या भाई लोग टंकी के पीछे सांप बैठा हुआ है, उधर भैया करेंगे इसको रेस्क्यू। कौन सा कोबरा है? तो फाइनली ये है रेड स्नेक सांप, और यहाँ पर बड़बोदना गांव में भद्र भैया ने इसको रेस्क्यू करा है। तो भाई लोग ये है 6 से 7 फीट लंबा रेड स्नेक, जो कि यहाँ बरबोदना गांव से रेस्क्यू करा है हमने। अटक कर रहा है। अंकल कितने दिन से था ये? अभी तक अभी आया, मैं कैसे आया मुझे बताया।
हेलो हाँ हाँ तो अलकापुरी आके फोन लगा तो इसको सेफ तरीके से स्नेक को रेस्क्यू कर लिया है अपनों ने जो कि रेड स्नेक है और इसको बाहर जाके कहीं अच्छी जगह पे रिलीज करेंगे। दे दो कि तू खाली करिए ये लो ले जा और वीडियो कैसी लगी है लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका। स्नेक रेस्क्यू करा था हमने रतलाम से 30 किलोमीटर गाँव बरगोतना कोई गाँव है, तो वहाँ ब्राह्मण साहब रेस्क्यू करा था हमने, उसको जंगल में रिलीज कर गया था। हमारे वीडियो में बना रहा